एम्स में हुआ निधन, देश भर में शोक की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, सीएम हेमंत सोरेन, तेजस्वी ने रघुवंश प्रसाद के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया। शिक्षा सुधार यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा ने रघुवंश को किया नमन, बोले बिहार में बदलाव की जरूरत। बेहतर इलाज के लिए सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी के साथ गई अमेरिका। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रामेश्वरम के समुद्र में 2 किलोमीटर लंबे वर्टिकल रेलवे पुल का निर्माण हुआ शुरू। दिल्ली दंगों के मामले में एक पूरक आरोप पत्र में सीताराम येचुरी और कई अन्य विद्वानों हुए आपराधिक, न्याय प्रणाली का भद्दा मजाक उड़ाया है। उत्तर प्रदेश में आसान नहीं होगी नई सरकारी नौकरी, 5 वर्ष बाद ही होगी मौलिक नियुक्ति। कंगना रनौत मामले पर आज बोले सीएम उद्धव ठाकरे, चुप हो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि हमने इस बात से इनकार नहीं किया है कि पूर्व वरिष्ठ अफसर पर हमला करने वाले लोग पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। विधायक अम्बा प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है, मेरे इलाज में तत्पर रहे डॉक्टर, नर्स, रिम्स स्टाफ के प्रति आभारी हूँ। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 हटने के बाद संसद के किसी भी सत्र में 1 साल से अधिक समय बाद हिस्सा लेंगे। अमेरिका के जंगल में लगी आग से वेस्ट कोस्ट धुएं की चादर में लिपटा, स्वास्थ्य को गंभीर खतरा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने 9 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। अब इंतजार हुआ खत्म, जल्दी होने वाली है कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत।